हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं एंड दैट इज बिमटेक ग्रेटर नोएडा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिमटेक ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट इज बिमटेक इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल विच इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। इट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन, रिग्रस अकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस एज वेल। बिमटेक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर बिमटेक की एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाएगी तो वो 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द एजेस ऑफ बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड इज अफिलिएटेड विद ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE। द इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर ऑफरिंग अ रेंज ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्सेज। बिमटेक इज एक्रेडिटेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ accreditation that is NBA and is consistently ranked among all the top management institutions in India. Video mein zarur aage badhenge but usse pehle do subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll be notified whenever we'll post a new video. Aaiye aage badhte hain. अब जानते हैं इनके प्रोग्राम के बारे में कि ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है। सबसे पहले आता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MBA प्रोग्राम। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट दैट इज देयर नॉर्मल PGDM। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज PGDM in IB। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन रिटेल दैट इज PGDM in RM। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंश्योरेंस बिजनेस दैट इज PGDM in IBM। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस दैट इज PGDM SDP। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, बिमटेक बहुत से डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी कराता है और वो कौन कौन से हैं? वो हैं फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दैट इज FPM। फिर सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दैट इज ESPM। थर्ड नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। बिमटेक ऑफर्स वेरियस एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है MBA और PGDM प्रोग्राम्स की। वही बेसिक एलिजिबिलिटी जो की होती है बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड but from a recognized and renowned university and that university should be approved by UGC। साथ ही साथ जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको चाहिए और मोस्टली सभी जगह जनरली 50% या फिर 55% ही नीडेड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर एग्जीक्यूटिव फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी की, तो उनको चाहिए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। दूसरे नंबर पे इनको चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है एंड दैट टू इट शुड बी फॉर अप्रॉक्स 5 years मिनिमम। अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। जब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर लिया, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर लाइक करते हैं, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है जिसमें आपकी बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक योर अकेडमिक इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी अचीवमेंट, जो आपने डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करनी होती है। और अगर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट राउंड, तो आपको सेकेंड राउंड यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी इसी टाइम कंसीडर करेगा। कुछ कोर्सेज में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ में नहीं चाहिए होता। बिमटेक टिपिकली एक्सेप्ट स्कोर फॉर वेरियस मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल CAT दैट इज योर कॉमन एडमिशन टेस्ट, then is your ZAT that is Xavier Aptitude Test, then is MAT that is Management Aptitude Test, then is CMAT that is your Common Management Admission Test। यहाँ दोस्तों ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट BIMTEC accept करता है। BIMTEC is often ranked among the top business schools in India by various publication and agencies। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, BIMTEC को बहुत सारी publication और agency से top business school की ranking already मिल चुकी है। वहीं इनकी फीस की बात करें तो इनकी जो PGDM कोर्सेज हैं उनकी फीस रहती है 12-14 lakhs और वहीं फेलोशिप की बात करें तो फीस आती है 86,500 और एग्जीक्यूटिव की फीस भी सेम रहती है दैट इज 86,500 और यहाँ पे इनके एवरेज सैलरी पैकेज की बात की जाएगी तो एवरेज सैलरी पैकेज आता है इनका 11 lakh rupees
जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका हाईएस्ट पैकेज कितना जाता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना बिमटेक के बारे में और साथ ही साथ इनकी एलिजिबिलिटी प्रोग्राम और ऐसे ही और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोर्स, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.